Hello you all my lovely students a very warm welcome to you all on this amazing platform of doubtnut i am your english educator pooja sharma and today i have chapter which has its prominent and significant value in your syllabus the chapter name is indigo chapter fifth hai ye indigo aur ye aapke boards mein sabse zyada important role play karta hai. though you can learn this chapter as a story as well but the events you have to learn by heart

the life of mahatma gandhi it is an excerpt or iskott chota's excerpt means that it is the only uh, part okay not the whole book we are talking about when we talk about his works

Season. Mahatma Gandhi went to Bihar and he was Rajkumar Shukla. He was a shear crop. शेयर क्रॉपर थे वो और वो उनकी वजह वो ही मिलने गए थे महात्मा गांधी से एंड उनको बताया था अबाउट चंपारण के बारे में चार्ल्स एंड्रयूज की बात करते हैं द सेकंड वन ए फॉलोवर थे गांधी के कस्तूरबा यू नो वेरी वेल वाइफ ऑफ गांधी एंड देवदास द दंगेस्ट सन ऑफ गांधी तो यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टर्स हैं ये मेन है मेन तो है ही महात्मा गांधी तो हैं ही साथ ही साथ में ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं ओके वेन आई टॉक अबाउट दिस स्टोरी इंडिगो ये स्टोरी है जो सबसे फेमस बैटल है महात्मा गांधी की और ये बैटल थी

Let's get started with the first one. Okay. So, Louis Fisher met Gandhi in 1942 at his ashram in Sevaram. आपको पता ही होगा श्रम आश्रम का नाम 1942 आपको ये टाइम याद रखना है जरूर है बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर कि लुइस फिशर कब मिले थे डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आग और कहा मिले थे इन आश्रम ओके गांधी टोल्ड हिम उन्होंने गांधी जी ने बताया उन्हें कि कैसे उन्होंने इनिशिएट लिया डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया डिपार्चर मीन्स कैसे उनको ये फर्स्ट स्टेप मिल गया था नाउ दे केन टेक मेनी स्टेप्स एंड टेक इट एज लॉन्ग एज दे केन टू टू डिपार्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया ही रिकॉल दैट इन नाइनटीन एट द रिक्वेस्ट ऑफ कुमार शुक्ला बताया हमने राजकुमार शुक्ला कौन है एक शेयर क्रॉपर थे और इन्हीं की रिक्वेस्ट पर गांधी जी वहां पे गए थे चंपारण एंड ही विजिटेड द प्लेस एज वेल नाउ यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है वन इंडियन कांग्रेस का बहुत बड़ा पार्ट थे गांधी जी और वो कहां थे? कौन सी की अगेन ईयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट इज नाइनटीन और हमने अभी ईयर देखा था नाइन का सो नाइन सेवनटी में कौन मिले हैं रा, राजकुमार शुक्ला मिले बट नाइनटीन की बात बताई गई है जब आई का एक मीटिंग था लखनऊ में और तब वहां पे गए थे महात्मा गांधी शुक्ला तो तोल हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हेल्प इन ऑर्डर टू सेवगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ़ द शेयर क्रॉपर्स जो शेयर क्रॉपर्स है उनके इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा था ब्रिटिश ब्रिटिशर्स जो है वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट कर रहे थे एंड फॉर दैट ही मेड अ रिक्वेस्ट कि प्लीज � तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दी कंडीशन इन चंपारण मुजफ्फर गए थे वो और वहां जाकर के वहां जाकर के उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की कि एक्चुअली क्या चल रहा है सिचुएशन क्या है चंपारण में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं ही रीच मुजफ्फरपुर बाय ट्रेन एट द मिडनाइट एंड ऑन डेट आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट अगेन 15 15th 15th अप्रैल अप्रैल 1917 1917 व्हाट हैपेंड ऑन यू हैव टू टेल कि गांधी जी का अराइवल हुआ तक मिडनाइट को ओके वहां पे वो मिले किसके से प्रोफेसर जे बी कृपलानी से एंड उन्होंने रिसीव किया उनको स्टेशन पे गांधी स्टेट देयर फॉर 2 डेज वहां दो तो दिन तक गांधी जी रहे थे द न्यूज

डाटा फटकारा वैसे सो हिचडेड लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम देयर क्रॉपर्स क्योंकि लॉयर्स क्या कर रहे थे लॉयर्स ना बहुत ज्यादा फीस ले तो रहे थे लेकिन उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए थे अभी तक सो दिज कोल्डेड हिचडेड

ट हार्वेस्ट टू देंड लॉर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ले कहा गया था टू कल्टिवेट फिफ्टी लैंड विद इंडिगो की उनका जितना भी लैंड है उसका पे तो उनको इंडिगो करना ही एंड बाकी के ऊपर जो भी उनका होगा वो कंप्लीट हार्वेस्ट किसको देना है लैंड लॉर्ड्स को देना है तो शेयर क्रॉपर्स को मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं था

वहां पे ओके डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो तो यहां पे आपको कंट्री नेम भी याद रखना है दे डिड नॉट वांट द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो एनीमोर आफ्टर दैट व्हाट लैंड लैंडलॉर्ड्स को लैंडलॉर्ड्स लॉर्ड से मना कर दिया दैट जर्मनी इज ऑलरेडी हैविंग सिंथेटिक इंडिगो सो वी डोंट वांट यू टू ग्रो इंडिगो नाउ यहां पे ये बात आ जाती है तो अभी के पीजें जो है वो क्या हो गए फंस चुके हैं पूरी तरीके से सो दे आस्क्ड द फार्मर्स टू पे सम कंपेंसेटरी फीस फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट अब फसाया क्या गया था पीजेंट्स को उनको ये बोला गया था कि पहले आप जो 15 परसेंट इंडिगो करते थे अब वो अगर नहीं करेंगे आप हम उसे मना कर रहे हैं तो उसके लिए व्हाट यू हैव हैव टू टू डू यू गिव फीस फॉर बीइंग हम आपको उस 15 रिलीज कर रहे हैं तो एक अरेंजमेंट करते हैं जिसमें आप हमको फीस दोगे उसके लिए ओके सम फार्मर्स साइंड विलिंगली कुछ फार्मर्स uh, ने तो बहुत ही इजिली uh, मतलब बिकॉज वट हैव चॉइसेज नो दे आर नो तो उन्होंने कर लिया इजिली अदर्स ने क्या किया दे हायर्ड लॉयर्स टू फाइट अगेंस्ट दिस बट वेन दे केम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो दे वॉन्टेड योर मनी बैक ओके सो अदर्स ने क्या करा अदर्स ने लॉयर्स हायर किए बट देन दे गॉट टू नो अबाउट सिंथेटिक विंडिगो तो उन्होंने uh, कह दिया कि हमें हमारी फीस वापस चाहिए एंड वी डोंट वॉन्ट टू फाइट एनीथिंग

तिरहट डिवीजन के कमिश्नर से मिले थे तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्टली वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ओनर्स के पास में एसोसिएशन uh, के पास में गए थेहट डिवीजन के उन्होंने गांधी जी को क्या दिया था धमकी दे दी थी कि तुम यहां से चले जाओ और यहां पर रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा लाइक दैट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहरी और वो रिटर्न करने की बजाय कहा चले गए टू मोतीहरी मोतीहरी पहुंच गए थे अगेन

हैव अ नोटबुक एन ए पेन विद यू और जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको ऐसे ऐसे इस तरीके से अपने की पॉइंट या एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं ओके सो देन यू वेंट टू वेयर अभी तिरहट के जो वेन वी टॉक् अबाउट कमिश्नर ऑफ द तिरहट तो उन्होंने उनको थ्रेटन कर दिया लेब गो बैक बट वो रिटर्न नहीं किए और वहां की जगह कहाँ चले गए मोतीहरी चले गए मोतीहरी जाने के बाद अगेन स्टार्टेड गैदरिंग सम पॉइंट एंड इन्फॉर्मेश अबाउट दैट दैट वॉट इज गोइंग ऑन अयर एंड ही वॉज अकम्पेन्ड मेनी लॉयर्स एज वेल सो वहां पर नॉट ओनली गांधी वॉज देयर बट ऑल्सो सो मेनी अदर लॉयर्स अवेलेबल टू रीच दिस पॉइंट ओके सो वन डे एज ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट अ पीजेंट हु ट्रीटेड बाय द इंडिगो प्लांटर्स ही वॉज स्टॉप्ड बाई पुलिस मैसेजर हू सर्व हिम अ नोटिस आस्किंग हिम टू लीव अगेन देखो मैंने बताया मेनी इंसिडेंट जहाँ पर क्या हुआ था गांधी जी एंड सामना करना पड़ा था राइट सो दिसने जा रहे थे तब हुट नॉट आई एम नॉट टॉकिंग आउट गांधी जी यहाँ पे वो जो पीजेंट है उसको मालट्रीट किया गया था बाय द इंडिगो प्लांटर्स एंड ही सुप्रीटेंडेंट एज वेल मैसेजर हू सर्व असकिंग हिम टू लिव

फाइल केस हो गया एंड इन दैट वे क्या हो गया उन्हें uh... कोर्ट में जाना पड़ा था सो हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मेनी लॉयर्स केम टू एडवाइस हिम बट वेन ही स्ट्रेस्ड दे ऑल जॉइंट हिज स्ट्रगल एंड इवन कंसेंटेड टू गो टू जेल इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स नाउ दिस इज द वे ही वेन टू जेल जेल जाना से पहले की बात आ रही है यहाँ पे कि चंपारण के लिए वट ही डिड मैनी थिंग्स अपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे उन्होंने बट एनी हाउ ब्रिटिशर्स उनको नहीं सुन पा रहे थे एंड ये गेट टू नो कि अगर ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं सुन पा रहे तो कोई बात नहीं इफ आई हैव टू गो टू जेल देन आई वुड डेफिनेटली

करना उस कोर्ट में इतने सारे जनों को हैंडल करना ओके गांधी ओके इफ यू हैव सीन लाइक ओ एम जी टू और ओ एम जी यू हैव सीन के कोर्ट में किस तरीके से बहुत सारे लोग आ जाते हैं देन इस तरीके की कोई भी मूवीज देखी होगी आपने जैसे कि एल जॉली एल एल बी एंड ऑल तो कोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है तो सिमिलरली यू कैन जस्ट हैव अ विजुअलाइजेशन इन योर माइंड कि कैसे गांधी जी जब अगर कोर्ट में वहाँ पर ट्रायल के लिए आए हैं तो बहुत सारी क्राउड वहाँ पर आ चुकी है गांधी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड नाउ द क्राउड वॉज नॉट कंट्रोल्ड वॉज नॉट

एन इट्स मिस यूज लेटर ऑफ कमिशन वॉज सेटअप टू लुक अच्छा इससे पहले क्या होता है लेटमी टेल यू दैट एज वेल अब वहां पर <coughs> उनको ये सब कुछ चीज़ें हो गई तो उनको बेल बेल का भी बीच में आया था दैट उनको अभी हम बिकॉज इतना सारा क्राउड था तो उनको जेल में भेजने चाह रहे थे बट तो जेल में नहीं भेज पा रहे थे एंड कहा गया कि चलो बेल दे देंगे तो बेल के लिए रुपए देने होते बट वो बेल के लिए बिना रुपए दिए भी जज ने उनको कह देता कि चलो लेट इट भी इनको बिना रुपये ही बेल दे दी जाती है मतलब वो फ्री बेल होती ना वो फ्री बेल उनको प्रोवाइड करी गई थी गांधी एंड हिज असोसिएट्स देन स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके मिस कैसा

एट लास्ट व्हाट हैपेंड एट लास्ट कि कमीशन बैठा कमीशन बैठने के बाद में प्लांटर्स जो है उन गिल्टी पाए गए थे और उनको बोला गया था कि आप उनके जो भी पीजेंट्स हैं उनके रुपए उनको वापस से दीजिए एक्सपेक्टिंग दे रिफ्यूजल टू पे ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द अमाउंट अभी उन्होंने जो कहा था उन्होंने कहा था वी वॉन्ट फिफ्टी परसेंट ओके बट यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंट का लिए वो लोग हाँ बोल गए मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में ट्वेंटी फाइव परसेंट पे अग्रीमेंट हुआ था

कस्तूरबाबाई द वाइफ ऑफ गांधी यूज़ टू टीच पर्सनल हाइजीन एज वेल तो यहाँ पे अगर आपका रोल बताना हो कस्तूरबाबाई का कि उनका क्या रोल था तो वो पर्सनल हाईजीन बिकॉज दिस इज द कॉन्करेंट कॉन्ेंट आई कैन से आइडिया दिस इज अ कॉन्करेंट थिंग विच इज गोइंग ऑन तो पर्सनल हाइजीन के बारे में कस्तूरबाबाई पढ़ाती थी वहाँ पे लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ वॉलेंटियर डॉक्टर ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटीज टू द ऑफ द चंपारण एज वेल एंड थस मेकिंग देयर लाइफ बेटर और ये पूरा पूरा चंपारण का अगर आपने नहीं पढ़ा था ऐसे में तो यहाँ

टेल टू योर फ्रेंड्स आप खुद ही एज अ टीचर रोल प्ले करते हैं ना हम समटाइम्स कि आ जाओ यार को नहीं समझ में आया कोई बात नहीं मुझे समझ में आ गया मैं तुम्हें पूरा 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 समझाता हूँ सो आई वॉन्ट यू टू स्पीक अबाउट दिस चैप्टर नॉट टू राइट बट स्पीक एज वेल लिखते हो तो बहुत अच्छा है फ्लो चार्ट बनाना है लिखना है तो पूरा पूरा मत लिखिएगा आप फ्लो चार्ट के थ्रू करेंगे एयर्स बेसिकली सारे लिखेंगे एंड द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स बेसिकली वो एंड कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें एंड द सेकेंड थिंग जस्ट हैव अ डिस्कशन हो सकता है कि आपके घर पर ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें इंडिगो के बारे में पता है उन्हें चंपारण के बारे में पता है तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं ये इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड जो कि हिस्ट्री का स्ट्रीम से है हिस्ट्री में है तो उनसे आप बातचीत करेंगे तो यू नो मोर पॉइंट एज चैप्टर में जितना था वो सारा डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे समझा चुकी हूँ नाउ इट इज द टाइम वेर आई ऑलवेज आस्क यू दैट आर यू रेडी फॉर द एम सी क्यू पार्ट एम सी क्यू के पार्ट के लिए हम लोग रेडी है या नहीं टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस सेशन आपको अच्छा लगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है तो प्लीज श्योर करिएगा ओके सो लेट्स मूव अड विद क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एम सी क्यूज आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं इंडिगो एक एक्सर्प्ट uh, है कौन सी बुक में से है ना मैन एंड पॉलिटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द ऑथर नेम एज वेल इन द कमेंट सेक्शन क्या है ऑथर का नाम वो भी बताएंगे एज वेल एज किस में से है मैंने आपको अभी बता दिया था इन द स्टार्टिंग लाइफ ऑफ लेन लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नान ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज गांधी डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से उन्होंने क्या मांगा था डिमांड क्या थी थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट रिफंड एज क्या बताया था लुइस फिशर को बताया था ना कि वाई इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट तो वही आंसर आपको लिखना है बिकॉज इट्स वाइस एंड वाइड इट बिकेम फेमस द ब्रिटिश वर्स टू प्रोटेस्ट द कोर्ट ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल इट ज ऑन यू यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी मूविंग अहेड अब आते हैं डिटेल बिकॉज डिटेल आंसर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट आप लिखना जानते हैं यू नाइट

But they offered only 25%. Gandhiji still agreed to their offer because for him the amount of refund was of less importance. More important, this is important point eh? that more important it was the fact that the planters had been forced to surrender part of their rights. So he agreed to the settlement as well. Moving ahead, the next question. Yeah. बैटल ऑफ चंपारण एंड वाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस कब और कहा उन्होंने ये बोला था कि चंपारण का जो ये युद्ध है वो जीत लिया गया है सो वेन सेवरल प्रोमिनेट लॉयर्स टोल्ड गांधी जी दैट देो हिम टू जेल गांधी जी एक्सक्लेम्ड दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन sorry this is one now gandhi made this statement because he had been able to shake the lawyers out of their stupor and they were ready to support gandhi ji so isiliye jis din lawyers ne, the day when lawyers said that okay we are ready and we will follow you to the jail tab ka, this battle of Champaran is won okay so this was all from my side about this chapter which is really important so please isko lightly nahi lenge aap log and definitely tell me in the comment section how you like this session and what you want in the next class till then take your take care of yourself bye-bye and thank you